पहले चैनल पर देखने वाले सारे दर्शकों को दिल से जया खान का नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। तो एक बात करें, देवरिया में देवरिया की शूटिंग कर रही हैं, इसके बगल में आपका भी गांव है, बिल्कुल गांव के बगल में। मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक दो बार घर पे भी जाके आ चुकी, जिस दिन शूटिंग नहीं हो रही थी उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था, सोची घर में मतलब बोला जाए तो घर ही है, तो बहुत मजा आ रहा है देवरिया में शूटिंग करके। और ये फर्स्ट फिल्म है जो मैं अपने गांव के बगल वाले गांव में देवरिया में शूटिंग कर रही हूँ, और ये सेकंड शेड्यूल है, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके। कुछ चीज़ें चेंज हुई है और कुछ चीज़ें, कुछ मसाले आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद करूंगी कि अभी तो बहुत सारे थिएटर खुल भी गए हैं और खुल भी गए हैं धीरे धीरे, जहाँ जहाँ नहीं खुला था, तो जब भी ये फिल्म रिलीज हो करिया आप लोग जरूर जाके देखिएगा। खुशी की बात है कि ये फिल्म दो लैंग्वेज में बन रही है, तेलुगु एंड भोजपुरी, जिसके प्रोड्यूसर अंगद कुमार ओझा, जिसके डायरेक्टर अंगद कुमार ओझा, जिसमें लीड प्ले कर रहे एक्टर अंगद कुमार ओझा, और इसकी लीड एक्ट्रेस, दोनों फिल्मों की लीड एक्ट्रेस जया खान। So, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है काम करके। अंगद कुमार जी जो के राइटर डायरेक्टर और मंदी टैलेंटेड, तो उनकी आपकी एज ए हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कैसे जम रही है, जमने वाली है? पहले तो थोड़ी बहुत मतलब झगड़े वगड़े होते थे, जमता नहीं था क्योंकि वो काफी सीनियर है और मैं 2 इयर्स की एक्सपीरियंस लड़की, तो कुछ चीज़ों को मैं नहीं समझ पाती थी और खास करके उनके ऊपर पूरी यूनिट की बोझ रहती है। देखा जाए तो वो प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, तो नो डाउट उनका गुस्सा करना बनता है, लेकिन अभी तो आदत पड़ते पड़ते पड़ गई है, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे खुशी की बात कि ऑलमोस्ट फिल्म कंप्लीट होने पर आ गई है, अभी 3-4 दिन में पैकअप हो जाएगा। मैं इसमें किरदार एक मैं बताना तो नहीं चाहूंगी, इस चीज को जानने के लिए आप लोगों को थिएटर वगैरह में जाके देखना पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत बताऊंगी कि किरदार बहुत अच्छा है और इसमें मैं दोनों मूवियों में मैं लीड प्ले कर रही हूँ, सो बहुत मजा आ रहा है। एक रीच खानदान से हूँ, सो आप देख सकते हैं लुक, और आज मैं मंदिर जा रही थी तो उस चीज का लुक था। इसमें दोनों लुक है क्योंकि मैं दोनों लुक पे गेम खेलती, इसलिए मैं थोड़ी सी चालू टाइप भी इसमें दिखाई गई हूँ, इसलिए बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, जितना बोलूँ उतना कम है। पूरी यूनिट हमारे डीओपी दादा लोग, हमारे प्रोडक्शन दादा लोग, मेकअप आर्टिस्ट हैं डेशर, लाइट मैन दादा लोग, सब लोग इतने पॉजिटिव हैं, इतने सपोर्टिव, इतने कोऑपरेटिव हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा काम करके। सो उम्मीद करूंगी कि इस यूनिट के साथ मैं दोबारा भी जुड़ूं। सो बहुत मजा आ इस फिल्म से। आप साउथ इंडस्ट्री में भी एंट्री कर रहे हो, तेलुगु में भी आपका धमाका और जलवा थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है, अब देखते आगे क्या होता है, हमारी ऑडियंस प्यार देती है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काम बहुत पसंद आएगा, स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग जरूर पसंद करेंगे। इसके अलावा कौन कौन फिल्म का आप शूटिंग करने वाले, कौन कौन फिल्म आपके आने वाली? इसके बाद 4-5 फिल्मों की लाइनअप है और जितनी फिल्में हुई थी सबकी डबिंग एडिटिंग सब कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक एक करके जैसे थिएटर खुलेंगे, अभी तो खुल भी गए हैं, तो एक एक करके आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा कि आपके गांव के बगल में शूटिंग है, तो आपका कौन सा गांव है? यहाँ से मेरा गांव 17-18 किलोमीटर की दूरी पर। कहाँ पर बताना चाहेंगे? देवरिया सदर। हमारी ऑडियंस घर पे पहुंच जाएगी और वहाँ पे भी इंटरव्यू ऐसे देने पड़ेंगे। तो अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस से यही कहना चाहूंगी कि जितने हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, खास करके हमारे देवरिया जिले के जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे जितने भी हमें चाहते हो, वो दिल से सपोर्ट करें और इतना प्यार दें कि मैं ऐसी मूवी करती रहूं, अच्छे से अच्छे स्क्रीन प्ले करती रहूं और आप लोगों के सामने ऐसे चहचहाती रहूं और हमेशा हैप्पीनेस के साथ आप लोगों के साथ नजर आती रहूं।